वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी गाउन पर यूज़ करने वाला हेयर स्टाइल बताने जा रही हूँ, जो आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा। लेट्स स्टार्ट। आपको उसके लिए करने के हैं, आपको सबसे पहले अपने फ्रंट के हेयर को डिवाइड कर लेना है ऐसे। अब आपको अपने पीछे वाले बालों की पोनी टेल बनानी है। आपको ये पोनी टेल हाई बनानी है क्योंकि गाउन पर ज़्यादातर हाई पोनी टेल हेयर बनने अच्छा लगता है। आप पोनी टेल बना लें ऐसे यहाँ पे इस साइड पे। आपको अपने फ्रंट के हेयर लेने हैं ऐसे, और अब आपको उसकी सिर्फ नोट बनानी है ऐसे, और आपको यहाँ बॉबी पिन लगानी है ऐसे। आप यहाँ से ये वाले हेयर छोड़ दीजिए। आपको इस सेक्शन से भी करना है यहाँ से। अब आपको ज़रूरत होगी ऐसे डोनट की। अगर आपके पास डोनट नहीं है तो मैंने आपको हैंकी का भी, डोनट कैसे बनाते हैं सॉक्स का और हैंकी का, वो मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि आप सॉक्स का डोनट कैसे बना सकते हैं। मैं उसका आई बटन पे आपको दे दूँगी लिंक, आप उस पर जाके देख लीजिए। अब आपको करना क्या है, आपको ये डोनट अपने बालों में, आपको ये जो आपने बनाया था नोट, इसके हेयर भी ऐसे कलेक्ट करके आपको अपनी पोनी टेल के अंदर से ऐसे ही डोनट को क्रॉस करना है ऐसे। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको ऐसे हेयर लेने अपने ऐसे, आपको अपने ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड करना है अपने हेयर को, और इसको ऐसे ट्विस्ट करना है ऐसे। जब ये ऐसे ट्विस्ट हो जाए तो आप इसका एक सेक्शन लीजिए और इसको ऐसे खींच दीजिए। और आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे जूड़ा पिन लगानी है। आपको ये जूड़ा पिन अपने डोनट में ऐसे डाल देनी है ऐसे। आपको अगेन यहाँ से सेक्शन लेना है अपने हेयर का। आपको अपने बालों को ऐसे ट्विस्ट करना है और आपको एक सेक्शन ऐसे खींच देना है, और आपको यहाँ पे इसको जूड़ा पिन लगा लीजिए ऐसे करके। आप कहीं पे भी लगा लीजिए। आपको यही सेक्शन इधर से भी रिपीट करना है। आपको ये सेक्शन लेना है ऐसे, आप इसको भी पिन लगा लीजिए। ये आपका मैसी बन बन रहा है, तो आपको इसकी ये जो सोचने की जरूरत नहीं है कि ये क्लीन है या नहीं है।
आपको कुछ नहीं करना, आपको बस उसको खींचना है और आपको कहीं पे भी अपने डोनट में ये बालों को ऐसे जुड़ा पिन लगा लीजिए। अब ये आप अपने पीछे वाली साइड से भी लीजिए। मैं आपको दोबारा देखा तो आपको ऐसे लेने हैं और उसको ऐसे हल्के हैंड से ऊपर को खींच देना ऐसे, और जहाँ खींचोगे आपको वहीं पे ऐसे इसको अपने डोनट में आपको इसको पिन कर लेना है। आप इसको कहीं पर भी लगा दीजिए जहाँ पे आपको लग रहा हो आपके बाल डोनट में कम है। अब आपको करना क्या, आपके जो ये बाल बच जाएंगे आपको उसको कुछ नहीं करना, आपको उसको ऐसे घुमाना है और ऐसे करके आपको उसको कहीं पे भी आपको अपने डोनट में इंसर्ट कर दें। अब ये कुछ मेरा डोनट हेयर डू इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे इसको बनाना कितना इजी था। अब आपको यहाँ वाले हेयर को कर्ल्स करना है। मैं यहाँ वाले हेयर इस ब्रश से करती हूँ ऐसे। सिंपल मैं स्ट्रेटनर यूज़ करती हूँ अपना ऐसे, इससे बहुत अच्छे वाले कर्ल्स बनते हैं। आप अपने ब्रश को ऐसे राउंड राउंड कर दीजिए। मेरा पूरा लुक कुछ इस तरीके से है। मैंने ये बीड्स लगाए हैं, आप भी कोई फ्लावर्स भी लगा सकते हैं। आपने देखा ये हेयर स्टाइल कितना ज़्यादा इजी था। इसको बनाने में मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। आप ये पार्लर जैसा हेयर स्टाइल अपने घर पे खुद अपने हाथों से बना सकते हैं। अगर आपको मेरा ये हेयर लुक अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपको बिल्कुल सिंपल सिंपल हेयर स्टाइल लेके आ सकूँ। थैंक यू।